अच्छा जी, तो कल हमने सारी इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, आज हम इसकी कोडिंग शुरू करेंगे। तो कोडिंग शुरू करने से पहले थ्योरी में कोई ऐसी बात जो कोई पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, क्योंकि कल जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें अगर किसी के जहन में कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा सवाल है, तो वो मैं चाह रहा हूँ पहले कवर हो जाए। अच्छा, कोडिंग में सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि स्पेसिफाइंग टाइप फेस। स्पेसिफाई का मतलब क्या होता है कि टाइप फेस बनाना। टाइप फेस हम बनाएंगे कैसे, हम सबसे पहले ये करना चाहेंगे। अच्छा, तो इसके लिए प्रॉपर्टी का जो नाम है दैट इज फॉन्ट फैमिली। अच्छा, यहाँ पे ये मजीद इस बारे में कह रहे हैं कि द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द टाइप फेस। अब ये बात बहुत गौर से समझेंगे तो समझ में आएगा कि आप CSS के अंदर एक टाइप फेस बना रहे होंगे इसके ज़रिए। दैट शुड बी यूज फॉर एनी टेक्स्ट इनसाइड द एलिमेंट टू विच CSS रूल अप्लाइज। अब वंस ये टाइप फेस बन जाएगा तो फिर आप किसी पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ये मैं गलत बोल गया। एक्चुअली स्पेसिफाई का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट का बता रहे हैं आपके, इसका टाइप फेस क्या होगा। ठीक है, स्पेसिफाई का मतलब ये, वो क्रिएट वाला आई थिंक उसका कुछ और नाम है, वो भी आगे वो भी कवर होगा कि हम उसको एक फाइल बताते हैं और उससे करके वो ले रहा होता है। अच्छा जी, तो हम जल्दी से अपने कोड में आ जाते हैं और इसको हम लिख के ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, एक नया फोल्डर बना लेते हैं आई थिंक, ताकि इसका कोड डिफरेंट रहे। मैं कहता हूँ फाइव और टेक्स्ट, और इसकी फाइल में आके मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। एक्चुअली ये लास्ट वाले जो हमने कोड लिखा था उसी की ये कॉपी है, तो ये कुछ इस तरह से इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं इसकी स्टाइलिंग उड़ा देता हूँ और इसके अंदर एक अदद डिव बना हुआ ये उड़ा देता हूँ। अच्छा, रेदर मुझे क्या चाहिए, एक अदद पैराग्राफ चाहिए। तो पैराग्राफ में क्या करता हूँ, बुक से ही एक पैराग्राफ उठाता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो अब मेरे पास ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। साथ में मैं इसका इंस्पेक्शन भी खोल लेता हूँ। अच्छा, अभी ये जो फॉन्ट फैमिली है एग्जैक्टली तो आप शायद नहीं बता पाए, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि ये सैरिफ है और ये भी सैरिफ है जो चोंच वाला होता है, और सैंस सैरिफ जो होता है वो बगैर चोंच वाला होता है। तो ये सैरिफ का कोई ना कोई फॉन्ट है। अच्छा, तो बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने बोला है कि यार जो बॉडी के ऊपर क्या लगा दिया इन्होंने, फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया टाइम्स रोमन या लास्ट में एक जेनेरिक नेम लिखा हुआ है सैरिफ, कि कोई भी ना मिले तो सैरिफ लगा दो। तो मैं आ जाता हूँ और मैं यही चीज़ अपने इस पर अप्लाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ पैराग्राफ, और जो भी मेरे पैराग्राफ्स हैं इस पूरे पेज के ऊपर उस पर फॉन्ट फैमिली जॉर्जिया टाइम्स रोमन या सैरिफ ये अप्लाई कर दो। तो आप देखें इसके ऊपर क्या अप्लाई हो गया, थोड़ा सा पहले से ये डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो पहले इस पर अप्लाई था वो भी सैरिफ था फॉन्ट, और ये वाला भी सैरिफ है। तो सैरिफ जो है वो सारे थोड़े थोड़े एक जैसे होते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर जाके पैराग्राफ से ये हटा दूँ तो आपको फ़ौरन से डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है, ये गूगल क्रोम का इंस्पेक्शन टूल है, या इसको डेवलपर टूल भी कह सकते हैं, या डीबग टूल भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा। ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, ठीक है, जो डिफरेंट जगहों पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे से जाके ना मैं कोई भी CSS इसकी चेंज भी कर सकता हूँ। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और किसी पे भी जाके जब हम दोबारा क्लिक प्रेस करते हैं एलिमेंट पे, तो ये मुझे उस एलिमेंट पे लेकर आ जाता है। तो ना सिर्फ मैं उस एलिमेंट को यहाँ पे आके चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, बल्कि इस एलिमेंट पे जो स्टाइलिंग अप्लाई है वो भी मुझे यहाँ नीचे नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो जैसे इस H1 के ऊपर मैं चाहूँ तो यहीं से कोई स्टाइल लगा सकता हूँ, जैसे कि कलर रेड। ठीक है, तो मैंने यहीं से लगा दिया, बट यहाँ से लगाई गई स्टाइलिंग क्या होता है, जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये टेम्परेली होता है, और जो परमानेंट होता है ज़ाहिर है वो यहाँ पे लगा हुआ होता है जो परमानेंट होता है। अच्छा, डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, समटाइम डीबग पर्पस के लिए मैं यहाँ से CSS को चेंज करके देखना चाहता हूँ अगर, कि यहाँ से CSS चेंज करके कैसा, क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड रिजल्ट आ रहा होता है। अच्छा, साइड बाय साइड रिजल्ट आने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से करें,
आपके पास अगर दो मॉनिटर है तो आप एक पे इसका व्यू खोल के और एक पे कोड खोल के वैसे भी साइड बाय साइड देख सकते हैं। स्टिल इफ आपको इस पे अच्छी ग्रिप है आपकी डेवलपर टूल्स पे, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है डेवलपमेंट के दौरान। अच्छा जी, तो फॉन्ट फैमिली मैंने स्पेसिफाई कर दिया किसके लिए, इस पैराग्राफ के एलिमेंट के लिए। अच्छा, इस पैराग्राफ के एलिमेंट की जगह मैं यहाँ पे कोई भी सेलेक्टर लगा सकता हूँ। हमने सेलेक्टर की एक लिस्ट पढ़ी थी कि यार कौन कौन से सेलेक्टर होते हैं हमारे पास, तो उनमें से कोई भी सेलेक्टर लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि यार H1 पे भी अप्लाई कर दो, सही है, पैराग्राफ पे और H1 पे। तो अब आप देखेंगे ये H1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, H1 पे भी अप्लाई हो गया ये। अच्छा जी, तो हम वापस बुक में चलते हैं और इन्होंने एक्चुअली क्या किया, बॉडी के ऊपर एक डिफरेंट फॉन्ट लगाया है, H1 H2 पे एक डिफरेंट फॉन्ट लगाया है और क्रेडिट के ऊपर एक डिफरेंट फॉन्ट लगाया है, ठीक है। तो हम ये क्रेडिट वाला फॉन्ट भी ज़रा किसी पे अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है, बल्कि क्रेडिट की पूरी क्लास हम उठा लेते हैं अपने पास। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्रेडिट के नाम से एक क्लास बना दी और मैंने कहा भाई क्रेडिट के नाम से जो भी क्लास होगी ना उसका जो फॉन्ट फैमिली होगा वो क्या होगा, कोरियर न्यू होगा या कोरियर होगा या मोनो स्पेस होगा, ठीक है, इसको सिंगल लाइन में ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि जो वन वर्ड के नाम है उसको तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन एक से ज़्यादा वर्ड जहाँ पर है उसको फिर डबल कोटेशन में इन्होंने पैक किया हुआ है, ठीक है। मैं चाहूँ तो इनको भी डबल कोटेशन में कर सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको भी अगर डबल कोटेशन में कर दूँ ना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं आके कहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक स्पैन बनाओ, ठीक है, मुझे ये प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है इसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई करना है। तो मैं बोलूँगा क्लास क्रेडिट, राइट, क्रेडिट में एस भी है, ठीक है। तो आप देखें इस प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ ये अप्लाई हो गया, जो मैंने एक दूसरा फॉन्ट फैमिली लगाया हुआ था वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अच्छा, तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कौन सी वाले हम फॉन्ट को अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम उन फॉन्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं जो मेरी मशीन में पहले से इंस्टॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कैलिब्री फॉन्ट लगाऊंगा तो मेरे पास मोस्ट प्रॉबली वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था मेरे कंप्यूटर में कैलिब्री फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है। तो लगा के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे पैराग्राफ एक और बना लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार इसमें कुछ टेक्स्ट भी लगा देते हैं उठा के। ये मैंने कुछ टेक्स्ट इसके अंदर अप्लाई कर दिया, मैंने क्लास लगाया कि कैलिब्री, सही है, ऊपर एक मैं कैलिब्री के नाम से जो है वो क्लास बना देता हूँ और मैं इसमें कहता हूँ कि भाई फॉन्ट फैमिली जो होगा आपका वो क्या होगा, कैलिब्री, यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है ऑब्वियसली। अच्छा, ये बाय द वे जो सजेशंस दे रहा होता है ये भी मुझे कैसे दे रहा होता है सजेशन, ये मोस्ट प्रॉब्ली मेरा VS कोड का जो एडिटर है वो देख रहा है कि मेरी मशीन में कौन से फॉन्ट हैं और वो मुझे ला के शायद दे रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अच्छा, कैलिब्री यहाँ पे सजेशन में मेरे पास कैलिब्री आया है, लेकिन आप नोट करें गिल सेंस एमटी और ये कैलिब्री को इन्होंने नंबर 3 पे रखा है। बट अगर मैं चाहूँगा मैं सिर्फ कैलिब्री इस पे अप्लाई करूँ तो क्या क्या होना चाहिए, ज़रा हम ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चार फॉल बैक में मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फॉन्ट इस पे अप्लाई हुआ है। तो मैं पहले तो क्या करूँगा, पहले मैं गिल सेंस जो लगा हुआ था ना वो पहले सिर्फ लगा कर देखूँगा कि ये कैसा दिखता है। कैलिब्री की मैंने कुछ स्पेलिंग गलत की है ना, सही है, कैलिब्री की यहाँ पे भी स्पेलिंग ठीक हो गई और यहाँ पे भी इसको मैं ठीक कर देता हूँ, सही है। तो अब ये वाला जो टेक्स्ट है मुझे ये फॉन्ट इस वाले फॉन्ट में देखना चाहिए गिल सेंस के अंदर, तो आ जाते हैं जी देखते हैं ज़रा। तो ये मेरे पास गिल सेंस में ये फॉन्ट नज़र आ गया मुझे, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं साथ में इसके कैलिब्री भी लगा दूँ, सही है, साथ में मैंने इसको कैलिब्री भी लगा दिया तो भी स्टिल मुझे ये गिल सेंस में नज़र आ रहा है, क्योंकि गिल सेंस सबसे पहला है, वो इसको मिल गया तो जाहिर है आगे बढ़ा ही नहीं वो। ऑन अदर एंड अगर मैं कैलिब्री को कट करके पीछे लेकर आऊँ, मैं कहूँगा यार पहले कैलिब्री को ढूंढो आप, तो फिर क्या ये कैलिब्री को पिक कर पाता है, नहीं कर पाया,
ये इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मशीन में कैलिब्री फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ कैलिब्री लगाता हूँ इसके ऊपर, तो ये क्या होता है, फॉल बैक होके आ जाता है जो डिफॉल्ट फॉन्ट है, बगैर जब कोई भी फॉन्ट लगा हुआ नहीं होता, तो जब जो फॉन्ट होता है उस पर आ गया ये, ठीक है। तो अच्छा, कैलिब्री का सी कैपिटल था भाई, तो मे भी शायद इस वजह से भी नहीं पकड़ा उसने। कैलिब्री का सी कैपिटल था, आई एम नॉट श्योर कि कैपिटल होना क्या इम्पैक्ट करेगा उसके ऊपर। हम ये काम करते हैं, क्या ये नाम केस सेंसिटिव है या नहीं है, इसके लिए मैं इस, ये तो मिल रहा है ना फॉन्ट मुझे, इसको सबको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ताकि ये मैं पता लगा सकूँ कि क्या आया कि नाम ये केस सेंसिटिव तो नहीं होते। नहीं, नाम केस सेंसिटिव नहीं होते, छोटा कर दिया जब भी ये मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये केस सेंसिटिव ये होता है कि जो चीज़ स्मॉल में उसको स्मॉल में ही लिखा जाए और जो कैपिटल में उसको कैपिटल में ही लिखा जाए। मिसाल के तौर पे, हाँ हाँ, पासवर्ड जैसे होता है, जैसे ये H1 जो है ना आपका, ये जो H1 है ये केस सेंसिटिव है, सही है, इसको आपने स्मॉल में ही H1 लिखना है, जब ही इसको समझ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सेलेक्टर्स हैं, ज़ाहिर है स्मॉल में लिखूँगा जब ही समझ आएगा। तो इसी तरह जो क्लास है आपकी, ये क्लास अगर आपने स्मॉल सी से क्रेडिट बनाया तो स्मॉल सी से ही लिखना होगा आपको, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि क्या होता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये स्मॉल सी से क्रेडिट बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे इसको कैपिटल सी से लिख देता हूँ, तो इसको काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये देखो प्रॉपर्टी पे से ये गायब हो गया। तो अब जितनी भी कोडिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर केस सेंसिटिव होती हैं। अभी HTML CSS में तो 80% ऑफ द थिंग्स आर केस सेंसिटिव, बट जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो इट वुड बी 100% केस सेंसिटिव, ठीक है। तमाम चीज़ें जिस केस में लिखी हुई हैं उसी केस, यानी कैपिटल केस और स्मॉल केस की बात हो रही है। तो ये हमने बात डिस्कस कर ली। अच्छा, अगर यही वेबसाइट, एग्जैक्टली यही वेबसाइट अगर मैं इस कंप्यूटर पर खोलता हूँ तो ये फॉन्ट दिख जाएगा, क्योंकि ये विंडोज़ कंप्यूटर है और इसमें कैलिब्री फॉन्ट इंस्टॉल होता है। तो क्या करते हैं जी, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके इस फॉन्ट को मैंने क्या करना है, इस पेज को मैं इस कंप्यूटर में कैसे खोल सकता हूँ। हाँ, ऐसे खोल सकता हूँ कि इसको मैं उठा के एयर डॉट्स इस वर्क पे डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो इतना मुश्किल सा नाम है, वो अगर मैं लिखने लग गया तो फिर मेरा हो गया काम, ठीक है। ये टेक्स्ट शेयर करने के लिए वेबसाइट बनाई है हमने, और अब मैं क्या करूँगा, माउस माउस माउस, और इस कंप्यूटर में आके इसको मैं खोलूँगा। अच्छा, इस कंप्यूटर में B9 अच्छा, इस कंप्यूटर में इसको खोलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो मेरी IP है ना 1.7.1.2.7.0.0.1, इसका मतलब होता है लोकल होस्ट एक्चुअली, सही है ना। तो ये मेरे मशीन की IP है, तो मुझे मेरे मशीन की एग्जैक्ट IP लिखनी पड़ेगी जब ये खुलेगा। तो मेरे पास है 172.16, ओके 172.16 .36.116, ठीक है जी। ये वेबसाइट मेरे पास यहाँ खुल चुकी है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ अभी कि ये वेबसाइट कैसी दिख रही है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ये मैं कैसे दिखाऊँगा आपको, ये मैं ऐसे दिखाऊँगा अपने,
ठीक है, ये मैंने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन किया है और देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे भाई। तो ये मैंने जो है ना अपने कंप्यूटर की आई पी यहाँ लिखी है और यहाँ पे आप देखें ये कैलिब्री फॉन्ट अप्लाई हो चुका है, ठीक है, ये कैलिब्री फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। अच्छा, अगर मैं अगर यहाँ से यहाँ पे जो मेरा कोड है इसमें पहले कैलिब्री लिखा हुआ है फिर गिल सेंस लिखा हुआ है, राइट, तो यही सेम वेबसाइट मेरे पास ऐसी दिख रही है, ठीक है, मेरे पास ये ऐसी दिख रही है वेबसाइट, और जब दूसरे कंप्यूटर में मैं खोलता हूँ एग्जैक्ट दिस वेबसाइट तो ये जो है वो मुझे फॉन्ट ऐसा दिखता है जो कि एग्जैक्टली कैलिब्री फॉन्ट है। अगर इसको मैं काफ़ी ज़्यादा जूम इन करूँ, ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। तो अब इट टोटली डिपेंड्स कि ये फॉन्ट आपकी मशीन में इंस्टॉल है या नहीं है। नहीं, इन्वर्टेड कॉमा से भी कुछ नहीं होगा, मिल रहा है ना, दूसरे कंप्यूटर में खोल रहा हूँ तो चल जा रहा है। इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत जब होगी जब एक से ज्यादा वर्ड्स हैं आपके नाम में ना। इसको डबल कोटेशन कर दूं, उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे देखो नहीं हो रहा ना, वो फॉल बैक करके इसी पे ही जा रहा है, गिल सेंस पे ही जा रहा है। क्या हाँ, मेरे कंप्यूटर में ये इंस्टॉल होना ज़रूरी है, तो इस वक्त क्योंकि मेरे पास मैक कंप्यूटर है तो मैक कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों का फॉन्ट ऑब्वियसली नहीं होगा, वो विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टॉल करके देते हैं। इसी तरह कुछ फॉन्ट बच्चों क्या हो गया, कोई मैच वैच है क्या आज, फिर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है। अच्छा यार आगे चलते हैं अब। अच्छा जी, तो ये फॉन्ट फैमिली की बात हो गई, उसके अलावा हमारे पास साइजेस होते हैं फॉन्ट के। मुझे अगर मिसाल के तौर पे ये जो पैराग्राफ ये वाला लिखा हुआ है नीचे वाला, इसको मुझे थोड़ा साइज में बड़ा करके दिखाना है, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई आपका फॉन्ट साइज, और मैं कहूँगा 20 पिक्सल, तो ये देखो बड़ा हो गया थोड़ा सा। अच्छा, अब ये बहुत ही सिंपल सा था कि भाई फॉन्ट साइज मैंने 12 पिक्सल लिख दिया या 20 पिक्सल लिख दिया तो वो उतने पिक्सल का बन गया फॉन्ट। हाँ, अभी वो अभी अगले पेज पे वही स्केल आ रहा है पूरा कि डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ कितने पे होती है। 200% अगर मैं करूँगा तो वो जितना साइज़ है उसका डबल हो जाएगा ऑब्वियसली, सही। अच्छा, और एक यूनिट और भी है जिसको हम कहते हैं EM, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे अलाउ वेब डिज़ाइनर्स वेरी प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हाउ मच स्पेस देयर टेक्स्ट टेक्स अप, द नंबर ऑफ पिक्सल्स इज फॉलोड बाई द लेटर पिक्सल। तो पिक्सल में एग्जैक्टली जितने पिक्सल का साइज चाहिए होता है उतना पिक्सल हम बता देते हैं। अच्छा, एक परसेंटेज भी है ऑन अदर एंड, परसेंटेज अब ये बल्कि अगर यहाँ पे आके समझोगे ना स्केल में तो ज़्यादा सही रहेगा। ये ना टाइप्स स्केल है, ये डिज़ाइन लेवल की चीज़ है, ये चेंज नहीं होने वाली अगले शायद 20-25 साल तक, तो ये बड़े गौर से समझ लो कि ये क्या चीज़ है। तो यू मे हैव नोटिस दैट प्रोग्राम सच एज वर्ड, फोटोशॉप एंड इन डिज़ाइन ऑफर द सेम साइजेस ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट का साइज चेंज करने जा रहे हैं और वहाँ पे आप साइज एक ड्रॉप डाउन होता है आमतौर पे बना हुआ, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ जैसे लास्ट टाइम हमने फोटोपिया खोला था ना, तो फोटोपिया में चलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि जब फॉन्ट चेंज करूँगा ना मैं तो एक जैसे फॉन्ट आ रहे होंगे। न्यू प्रोजेक्ट बनाया मैंने, ओके क्रिएट, और यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट वाले आइटम ले लिए, सही है, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो टेक्स्ट का जो साइज है ना यहाँ पे जब मैं चेंज करने आता हूँ, अच्छा इन्होंने तो वो दूसरी सेटिंग बना दी है, कोई एरो वाला हिसाब किताब बना दिया इन्होंने, पेंट पे चलते हैं, पेंट भी एक है सॉफ्टवेयर जो अक्सर हम यूज़ करते हैं,
उसमें भी ये वाली चीज़ आ रही होती है। हाँ ये अच्छा, इन्होंने भी वो चीज़ नहीं की है, इन्होंने भी एक एक करके टक 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 ऊपर जा रहा है। वेल और कहाँ पे हम देख सकते हैं ये चीज़? एक वर्ल्ड का एक अपना भी सॉफ्टवेयर होता है, इसमें क्या नाम होता है इसका, टेक्स एडिट, हाँ ये वाला सही है। अब देखो इसमें ना 12 13 14 है, उसके बाद 15 16 17 नहीं है, 18 है, फिर 24 है, फिर 36 है, फिर 48 है, ये 72 तक गया है। ठीक है, 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और 15 16 और 17 का आएगा। तो ये ना कुछ डिज़ाइनर्स ने बड़े सोच समझ के, कोई पता नहीं रिसर्च करके ना ये निकाला है। और तो ये उस स्केल की बात कर रहा है कि वो कौन सा स्केल है, वो कौन सी कहानी है जो चल रही है। ठीक है, जैसे 8 9 10 11 12 उसके बाद 13 में से फिर 14 है, फिर 15 16 17 में से फिर 18 है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 24 है, फिर 36 है। तो अब ये इन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा है इस स्केल के ऊपर कि हाउ दिस स्केल एंड वाई दिस स्केल। दिस इज बिकॉज दे आर सेट अकॉर्डिंग टू अ स्केल और रेशो दैट वॉज डिवेलप्ड बाई यूरोपियंस टाइपोग्राफर। ठीक है, यूरोपियन टाइपोग्राफर कोई था, अभी उसका नाम नहीं इन्होंने मैंशन किया, वो 16th सेंचुरी में इन्होंने ये बात लिखी है। अच्छा, 16th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी रही है पूरी दुनिया के लिए, किस सेंस में? 16th सेंचुरी में क्या हुआ था जो इनको जरूरत पड़ी है बनाने की? सिक्सटीन सेंचुरी में ना ये हुआ था, सही है। 14 सेंचुरी के मिड में इन्होंने ये बना लिया था प्रिंटिंग प्रेस, और 16 सेंचुरी आते आते ना ऑब्वियसली प्रिंटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। जाहिर है जब कोई चीज़ फ़ौरन बनती है तो किसी को पता ही नहीं होता कि यार ये है क्या, मतलब भला क्या है ये। और तो 100-200 साल लगे ना तो लोगों को सब कुछ पता चल गया, और फिर जाहिर है बुक्स छपना शुरू हुई और बहुत मास लेवल पे प्रिंटिंग वगैरह स्टार्ट हुई। तो फिर उनको ना इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, जाहिर है शुरू में पेजेस छपते होंगे तो वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते होंगे रीड करने में मे बी। तो एक सर्टन पॉइंट में, यानी कि 16 सेंचुरी में, ठीक है, 16 सेंचुरी में ही बाय द वे मुसलमानों ने फतवा भी लगाया था कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है। हराम था प्रिंटिंग प्रेस, सही है, अभी हलाल हुई है वो अभी वापस हलाल हुआ है 200 साल पहले। तो मे बी 15 सेंचुरी या 16, इसमें इन दोनों किसी एक सेंचुरी में ऐसा हुआ था। तो वेल नहीं, अभी क्रिप्टो हराम है ना, है ना? नहीं, अब आई एम नॉट श्योर कि थोड़े दिन बाद होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी जैसे आप, आपको लग रहा है ना प्रिंटिंग प्रेस ऐसे कैसे यार, मतलब तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको आज से 20 साल बाद लगेगी यार ऐसे कैसे। ठीक है, पेपर करेंसी पे भी ये फतवा लगा था, हराम हो गया। हाँ नहीं, असल में मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, तो असल में मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे पास जो दीनी तबका है ना, और जो जो फाइनेंस है और जो बैंकिंग है, इनमें बहुत एक गैप है बहुत बड़ा। शायद ये उनको समझा नहीं पाए या वो समझ नहीं पाए, तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। तो अब इसमें जो बंदा इस चीज़ के अंदर इन है वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि ये क्या है, सही है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं एक टेक्निकल बंदा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया बकायदा पूरा बिठा के उसको कि भाई क्या होता है इसमें, लेकिन उसको उन लोगों ने, जितने लोगों ने मुझे जो जो बातें बताई ना, वो आखिर में गलत साबित हो गई जब मैंने खुद ट्रेडिंग स्टार्ट की। ठीक है, मैंने अल्टीमेटली मैंने वो अकाउंट वकाउंट बनाया, मैंने कहा भाई $150-200 का रिस्क है, वो लेना पड़ेगा। वो लेके मैंने एक आध ट्रेड व्रेड मारी ना, तो मुझे समझ आएगा अच्छा ये क्या गेम चल रहा है। सही है,
तो जब तक बंदा खुद करता नहीं है पहली बार उसको पता नहीं चलता। फिर जो पहली दफ़ा जब मैंने यूज़ किया तो मुझे ज़ाहिर है उस तरह से रियलाइजेशन नहीं हुई। अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा खाता है वो, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं पाया। ठीक है, मेन जो मेन स्ट्रीम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था उसकी वजह से। वेल मैंने कोई 10-12 ट्रेड ली है ज़िंदगी में अपनी, तो जब जाके मुझे बेसिक समझ में आई यार ये क्या गेम क्या चल रहा है। सही है, तो अच्छा मैं क्योंकि मैं पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं कोई आलिम दीन तो हूँ नहीं डिग्री वाला जो मैं इस पर फतवा लगाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ना फाइनेंस वाले सही से इसको बता पा रहे हैं और ना जो दीनी तबका है उनको भी कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो दोनों को ही कुछ नहीं पता, दोनों ही हवा में तीर चला रहे हैं। ये जो टीवी पे बैठ के इतनी लंबी लंबी हाँक रहे होते हैं ना, मैंने उनकी भी सारे सुने इंटरव्यूज़, किसी को भी कुछ नहीं पता, इनको पता ही नहीं है कि है क्या। ठीक है, दुनिया में मेरा ये ख्याल है कि दुनिया में शायद जो है ना कोई 10% के करीब लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं और उनको पता भी है कि वो क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी लोग ये जो इतने बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं ये वकार ज़का वगैरह के, इसमें क्या होता है एक मैसेज आता है, लिटरली ऐसा हो रहा है, वो ऐसे बोलता है ना समटाइम आगे कि यार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, भाई कुछ भी नहीं कर रहा, एक मैसेज आता है उसमें एक नंबर लिखा हुआ होता है और सारे धड़ धड़ शुरू हो जाते हैं, वही नंबर एंटर करते हैं और बस लग गई लॉटरी तो लग गई, नहीं तो ज़ीरो हो गया ख़त्म। सही है, तो ये वो गैम्बलिंग है, इसको तो गैम्बलिंग बोलेंगे ना यार, तो फिर गैम्बलिंग तो हराम है। लेकिन इट इज़ नॉट जस्ट गैम्बलिंग, ये एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, तो उसको टेक्नोलॉजी की तरह लेना चाहिए बजाय इसके, क्योंकि गैम्बलिंग इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद नहीं, हमें आता, हमें खुद नहीं पता कि करना क्या है, किसी ने बोल दिया कि यार इस पे ऐसे करो तो पैसे आते हैं और बस सारे लगे हुए हैं उधर, समझ रहे हो। तो वो गैम्बलिंग इसलिए नहीं है कि वो बाई नेचर गैम्बलिंग है, वो बाई नेचर गैम्बलिंग नहीं है, हमने उसको गैम्बलिंग की तरह बना लिया। भाई लूडो खेलना तो आराम नहीं है ना, लेकिन लूडो पे अगर आप गैम्बलिंग करो कि यार अगर मैं जीता तो इतने पैसे, तो फिर ये वाली बात है। वेल अब वो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो भाई ये इन्होंने ना 16th सेंचुरी में ये बनाया, इट इज़ कंसिडर्ड दैट दिस स्केल फॉर टाइट इज़ प्लीजिंग टू द आई एंड इट हैज़ देयरफॉर चेंज्ड लिटिल इन लास्ट 400 ईयर्स। कह रहे हैं कि ये जब से बना है ना 400 साल हो गए, इसमें कोई ज़्यादा खास चेंजेस नहीं हुई हैं, ये वही है जो बना था ना, ऑलमोस्ट वही है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो स्केल है इस पर अगर लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तो ये आँखों के लिए ना प्लेजिंग होता है, आँखों को ये अच्छा लगता है। फॉर दिस रीज़न व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग पेजेस यूजिंग साइजेस फ्रॉम दिस स्केल विल हेल्प देम लुक मोर अट्रैक्टिव। कह रहे हैं कि आपने भी क्या करना है फिर जब डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे ना पेज की, हम ये डिज़ाइनर वाली चीज़ें ये, ठीक है आपका काम नहीं है, आपको पता होना चाहिए लेकिन, ठीक, क्योंकि फ्रीलांसिंग में फिर आपको करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से ना आपका जो वर्क होता है वो ऐसा लगता है डिटेल्ड वर्क है, ऐसा लगता है इस पर कोई सीनियर बंदे ने कुछ काम किया है। ठीक है, अभी जो आप वेब पेजेस बना रहे हैं आज से वो एक साल बाद या आज से 2 महीने बाद भी आपको वो अपना ही काम बुरा लगने चाहिए, अगर अपना काम आपको बुरा नहीं लग रहा तो इसका मतलब आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। तो ये वाली डिटेल अब आपने जो भी आप आगे काम करेंगे, जो भी टास्क बनाएंगे उसमें ये वाली डिटेल्स आपने फॉलो करनी है, और जब ये डिटेल्स आप फॉलो करेंगे तो आपका पेज जब यहाँ खुलेगा ना, जब यहाँ पे खुलेगा आपका पेज तो बाकी लोगों के अगर जिन्होंने नहीं फॉलो किया हुआ वो उनसे ऑटोमेटिकली बेहतर दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हो रहा है और ऑटोमेटिकली। और ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ पे सेट होनी चाहिए, आपका सामने से क्लाइंट आपको ये नहीं बोलेगा कि ये फॉन्ट साइज तुमने क्या लगाया, वो बोलेगा यार बस कुछ मसला है इसमें, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मसला है इसमें, उसको थोड़ी पता है लेकिन उसकी आंखों को तो फील हो रहा है ना ये कि यार कुछ मसला है इसके अंदर। वेल प्रिंट डिजाइनर्स ऑफन रेफर टू द साइज ऑफ टेक्स्ट इन टर्म ऑफ पॉइंट्स रेदर देन पिक्सल्स। अच्छा जो प्रिंटिंग में जो इस्तेमाल होती है ना यूनिट, वो पिक्सल्स इस्तेमाल नहीं होते, उसको बोलते हैं पॉइंट्स। अच्छा पॉइंट्स जो है ना वो गोल होता है। अगर आप न्यूज़पेपर को ना गौर से देखेंगे ना, उसमें जो पिक्सल्स होते हैं उसमें भी पिक्सल्स होते हैं ना एक्चुअली, वो गोल गोल होते हैं पॉइंट्स, या समटाइम ऐसे होते हैं डायमंड शेप के भी होते हैं, समटाइम स्क्वायर भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा हैंस यूज पीटी इन द स्केल ऑन द राइट। कह रहे हैं कि वो उसलिए ना वो पिक्सल नहीं लिखते, वो पीटी लिखते हैं, पॉइंट्स लिखते हैं कि कितने पॉइंट का ये होगा। अ पिक्सल रफली इक्वेट्स टू अ पॉइंट बिकॉज अ पॉइंट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1/72 ऑफ एन इंच। ठीक है, तो अगर 72 PPI की इमेज है
अब ये वाली बात उसको समझ आएगी जिसने वो पीपीआई वाली कहानी सही से समझी थी क्योंकि वो पीपीआई अब जान नहीं छोड़ेगा, वो आखिर तक जाएगा। वो कह रहा है कि भाई जो पॉइंट होता है ना, वो एक इंच का आप 72 हिस्से करोगे ना, तो वो एक हिस्सा जो बनता है उस पॉइंट का साइज उतना होता है प्रिंटिंग में। ये एक स्टैंडर्ड है जो चला आ रहा है। अच्छा, और जो डिस्प्ले होता है ना कंप्यूटर का, वो भी 72 डॉट्स पे जो इन्होंने फिक्स किया है, शायद वही रीज़न है इसका भी। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। मतलब 72 जब मैंने पहली बार सुना, मैंने कहा 72 क्यों यार, 70 तो हो सकता था ना, राउंड फिगर होता, 72 का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये पॉइंट और पिक्सल इसका साइज ऑलमोस्ट एक ही होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई रफली इक्वेट्स, रफली दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। अच्छा जी, अब इसने और क्या बात की है, ये साथ में स्केल भी देखते रहो। ठीक है, देखो पीटी लिखा हुआ है इसके अंदर, पॉइंट्स लिखा हुआ है। द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन ब्राउजर इज 16 पिक्सल। ये जो आप पूछ रहे थे ना डिफॉल्ट में कितना साइज होता है, 16 पिक्सल होता है। सो इफ यू यूज परसेंटेज और EMS, यू कैलकुलेट द साइज ऑफ टेक्स्ट यू वॉन्ट बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट यूज बाई ब्राउजर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि डिफॉल्ट साइज होता है 16 पिक्सल, अगर आप क्या लगा रहे हो, परसेंटेज लगा रहे हो या EMS लगा रहे हो। अभी तीन तरीके बताए थे ना उसने, EM। अच्छा, तो परसेंटेज लगाओगे आप तो इसी 16 पिक्सल के हिसाब से आपने कैलकुलेट करना है कि भाई 200% मतलब 32 पिक्सल। अच्छा, EM जो होता है वो क्या होता है, EM जो होता है किसी भी पैराग्राफ के अंदर, अगर मैं बोलता हूँ ना कि 2 EM, तो 2 EM का मतलब होता है कि 1 EM का मतलब 1 M का साइज़ क्या है, 1 M का साइज़ क्या है। M सबसे लंबा कैरेक्टर होता है A से लेके Z तक। ठीक है, वापस बल्कि उस जगह पे हम चल के ना EM को ज़रा देख लेते हैं इन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा है। एन EM इज इक्वेलेंट टू द विर्थ ऑफ लेटर M, कि जो लेटर M होता है ना उसकी विर्थ। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे M किधर है, M ये रहा, तो एक EM का साइज इतना होता है, समझ लो। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो, बोलो। हाँ भाई, हाँ भाई, समझ रहे हो। नहीं, हर लेटर एक साइज का नहीं होता। ये देखो, ई का साइज तुम चेक करो छोटा है, एल सबसे छोटा है, अब समझ आया। तो एम सबसे लंबा लेटर होता है, मतलब लंबा मतलब ऐसे चौड़ाई में लंबा, लंबाई में तो सारे एक ही हैं, लंबाई में देखो सबका स्क्वायर एक जैसा ही आ रहा है, लेकिन लंबाई में भी थोड़ा एल थोड़ा ज्यादा होता है एक्चुअली। नहीं, डब्ल्यू एम से छोटा होता है, मतलब ऐसे वाले साइज में ना हॉरिजॉन्टली वो एम से छोटा होता है। अभी यहाँ पे कहीं डब्ल्यू है ना, ये देखो डब्ल्यू ये रहा, देखो डब्ल्यू का साइज देखा तुमने और एम का साइज भी देखो। वैसे विजुअली भी बड़ा लग रहा है, एम देखने में भी पता चल रहा है कि बड़ा है ये। वेल, सबसे जो लंबा कैरेक्टर होता है यानी चौड़ाई वाली लंबाई विड्थ सबसे ज़्यादा जो होती है ना वो एम की होती है। तो 1 EM जो होता है वो साइज ऑफ एम के बराबर होता है, कि साइज ऑफ एम कितना है उसका। तो अभी EM अभी आगे और डिस्कस होगा मजीद, ये इसने बल्कि यहाँ शायद लिखा भी है ना कि वी विल लुक एट दीज मेजरमेंट्स इन ग्रेटर डिटेल ऑन नेक्स्ट पेज। अभी ये अगले पेज पे ये और डिटेल में बात करेगा। अच्छा, तो ये कह रहा है कि भाई अगर आप ना परसेंटेज या EM में कर रहे हो, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि स्क्रीन पे एग्जैक्टली कितने पिक्सल में दिखेगा आपका टेक्स्ट, कितने पिक्सल में दिखेगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यू कुड स्केल डाउन टू 12 पिक्सल फॉर बॉडी, कॉपी एंड स्केल अप टू 24 फॉर हेडिंग। कह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं परसेंटेज को लेकर, या EM के जरिए आप स्केल अप या स्केल डाउन कर सकते हैं। रिसेंटली सम वेब डिजाइनर्स हैव स्टार्टेड टू लीव द बॉडी टेक्स एट द डिफॉल्ट साइज ऑफ 16 पिक्सल। ठीक है, पहले क्या होता था कि बॉडी को 12 पिक्सल पे स्टैंडर्डाइज था, जो बुक्स वगैरह छपती थी उसमें 12 पिक्सल की बॉडी होती थी। ठीक है, लेकिन ब्राउजर्स के अंदर 16 पिक्सल होता है डिफॉल्ट,
तो कुछ लोग क्या करते थे उसको स्केल डाउन करके 12 पे कर दिया करते थे, लेकिन रिसेंटली यानी 2009 की लिखी हुई बुक है ये, तो उस वक्त के ज़माने में रिसेंटली ये क्या कह रहे हैं कि अब जो डिज़ाइनर है ना वो 16 पिक्सल पे ही छोड़ देते हैं बॉडी को. अच्छा, एंड एडजस्ट द अदर फॉन्ट साइजेस यूजिंग अ स्केल दैट कीप्स द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ दिस वन. तो बजाय इसके कि हम बॉडी को स्केल डाउन करें, अभी रिसेंटली वो क्या करने लग गए, बॉडी को अपनी जगह छोड़ देते हैं और हेडिंग वगैरह को ना स्केल अप कर देते हैं उसकी प्रोपोर्शन को सेट करने के लिए. अब ये प्रोपोर्शन कैसे सेट होगा, ये स्केल डाउन स्केल अप कैसे होगा, उसकी कैलकुलेशन भी इसने आगे बताई हुई है. ठीक है, ये सारा कुछ अभी मतलब बड़े मैथ्स लग रही होगी ना इसमें कि यार अभी अगर एक जो हेडिंग है मेरी वो 32 पिक्सल है और जो पैराग्राफ है वो 16 पिक्सल है, तो अभी इसको स्केल अप या स्केल डाउन करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, कुछ कम ज़्यादा करना पड़ेगा कि इक्वल प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा हो. तो वो आगे कैलकुलेशन इसने बताई हुई है और वही स्टैंडर्ड है, काइंड ऑफ बॉयलर प्लेट है, एक ही तरह से चलता है वो, क्योंकि 400 साल से ये बना हुआ है तो वो हिफ्ज हो गया लोगों को, गूगल करेंगे फ़ौरन नज़र आ जाती है कैलकुलेशन अगर बुक ना भी हो तो. अच्छा, व्हेन यू फर्स्ट सी बॉडी टेक्स्ट एट 16 पिक्सल इट माइट सीम क्वाइट लार्ज. कह रहे कि ये जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट होता है ना 16 पिक्सल का, ठीक है, ये 16 पिक्सल है और ये 20 पिक्सल है, तो कह रहे हैं कि ये 16 पिक्सल आपको क्वाइट लार्ज लगता है. अभी तो खैर आप लैपटॉप के आगे नहीं बैठे हुए, आप ये प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं तो आपको शायद उस तरह से फील नहीं हो रहा हो, लेकिन जब आपके सामने स्क्रीन रखी हुई होती है एज अ लैपटॉप या एज अ पर्सनल कंप्यूटर, तो ये कह रहे हैं कि 16 पिक्सल आपको शायद थोड़ा बड़ा फील हो देखने में, लार्ज लगे आपको थोड़ा. लेकिन वंस यू गेट यूज टू द लार्ज टाइप, however, most people find it far easier to read and going back to a page where the main type is 12 pixel will often look quite small. कह रहे हैं कि जब आपको used to हो जाओगे आप 16 pixel से, तो actually क्या है कि 16 ही pixel ज़्यादा better है, और फिर आपको जब 12 pixel वाला page कभी देखना पड़ेगा तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत छोटा लग रहा है. अभी अभी उसकी कैलकुलेशन ही आगे बताएगा कि क्या चक्कर है उसका. ठीक है, उसकी कैलकुलेशन अभी आगे बताने लगा है कि क्या चक्कर है. सवाल वैसे अच्छा पूछा है इसने, पॉइंट में 16 तो है ही नहीं, तो 16 का क्या सीन है फिर. अच्छा, ये आ गया मेरे भाई यूनिट ऑफ टाइप. अच्छा, H1 का जो डिफॉल्ट साइज है वो 24 पिक्सल है, H2 का जो डिफॉल्ट साइज है वो 18 पिक्सल है और ये 14 पिक्सल है, और बॉडी जो है वो 12 पिक्सल है. सही है. अच्छा, ये कौन से स्केल पे बात हो रही है, ये जो 12 पिक्सल स्केल है जो पहले यूज़ होता था ये उस वाले स्केल की बात हो रही है. अच्छा, 16 पिक्सल स्केल जो है उसमें क्या होगा, H1 32 पिक्सल का होगा, H2 24 पिक्सल का होगा, H3 18 पिक्सल का और बॉडी 16 पिक्सल का. ये बाई डिफ़ॉल्ट, ये वाला बाई डिफ़ॉल्ट अभी होता है. हाँ, 16 पिक्सल जो ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है. अच्छा अच्छा, ये आपको पता कैसे चलेगा कि 16 पिक्सल बाय डिफ़ॉल्ट होता है. हाँ एग्जैक्टली, हम लगा के देख लेंगे उसमें स्टाइल. मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ इस पैराग्राफ पे, इस पैराग्राफ में बोलता हूँ कि भाई फ़ॉन्ट साइज, और मैं कहता हूँ 16 पिक्सल. ठीक है, तो अब मैंने 16 पिक्सल लगा दिए, जब मैं इस पर से चेक हटाऊं या लगाऊं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका ये प्रूफ हो गया कि ये 16 ही पिक्सल है. 17 नहीं है, 16 ही है भाई. चलो 17 कर दिया ना मैंने, अब इसको 17 कर दिया. अब मैं चेक हटा रहा हूँ और लगा रहा हूँ तो देखो फ़र्क हो रहा है. ठीक है, और 15 भी करके देख लेते हैं, 15 पे भी फ़र्क फील हो रहा है, 16 पे ये एक्यूरेट है भाई. तो इससे हमें क्या पता चला कि ये 16 है. ठीक है, पैराग्राफ का जो पैराग्राफ नहीं, एक्चुअली बॉडी में आप कुछ भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 16 के साइज पे लिखा आएगा. अच्छा, परसेंटेज में अगर आपने ये बात लिखनी है, ठीक है, अब यहां पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. परसेंटेज में अगर आपने ये बात लिखनी है H1 का जो भी साइज आपने लिखना है वो लिखना है आपने 200%. ठीक है, H2 का आपने लिखना है 150%.
एच थ्री का आपने लिखना है 133%। हाँ 16 पिक्सल का स्टैंडर्ड 16 पिक्सल है ना, तो 200 तो 32 पिक्सल। हाँ एक ही चीज को लिखने के तीन तरीके हैं ना, वो कलर में जो हिसाब किताब था तीन तरीके थे। पिक्सल ज्यादा सही है, EM भी लोग आजकल बड़ा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा EM जो है ना उसकी एक और भी क्वालिटी है, अभी वो थोड़ी देर में डिस्कस होगी। वो असल में ये डेंसिटी इंडिपेंडेंट है ये। अब डेंसिटी इंडिपेंडेंट अगर मैंने अभी बता दिया ना तो अभी डेंसिटी को छोड़ दो। एक ही है तीनों, प्रिसाइज तीनों में प्रिसिशन एक ही होगी। ये समझ आ रहा है चार्ट ये वाला? ये थोड़ा सा टाइम लगा के समझा दिया जाए आपको। अब देखो ये जितने बंदे इधर बातें कर रहे हैं ना बेटा, ये टेस्ट में आ गया ना, वैसे तो लिखा हुआ है बुक में, वैसे तो बुक में लिखा हुआ है ना, लेकिन ये समझ आ रही है बात ये भाई। देखो ये जो H1 और H2 है ना, ये असल में H1 के एलिमेंट की बात नहीं हो रही, सही है? ये H1 के एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, अभी एलिमेंट सारे भूल जाओ, ये बात हो रही है एक्चुअल टेक्स्ट की। ये क्या, ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है, ये प्रोपोर्शन की बात हो रही है। ये जो स्केल है ना, ये इतना पार्ट स्केल है कि अगर आपने, आप इमेजिन करो आप एक जर्नल पे हाथ से लिख रहे हो, ठीक है, या प्रिंटिंग प्रेस में जो प्रिंट हो रहा है वो, उसकी बात अभी समझो, अभी HTML को साइड पे कर दो थोड़ी देर के लिए। वो कह रहा है कि बॉडी अगर आपने रखी है ना 16 पिक्सल की, तो आपका H1 32 पिक्सल का होना चाहिए, ये एक प्रोपोर्शन है। तो पहले तो इस प्रोपोर्शन को समझो, ये डिज़ाइनर्स ने ये डिज़ाइन किया है कि यार प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए, जो ऊपर थोड़ी देर पहले स्केल हमें दिखा था। अब वो स्केल तो है, लेकिन अब उस स्केल में कौन से पे हेडिंग 1 में कौन से पे हेडिंग 2 रखनी है वो यहाँ पे बता रहा है। तो कह रहा है कि भाई आपका जो 16 पिक्सल का स्केल होगा ना, उसमें बॉडी, ये जाहिर है सबसे पहले हेडिंग 1 से स्टार्ट होगी कहानी, तो वो 32 पिक्सल का होना चाहिए। अब हेडिंग 1 के फौरन बाद एक पैराग्राफ हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, तो वो पैराग्राफ क्या होगा, 16 पिक्सल का होगा। अच्छा अगर दूसरी हेडिंग डालने की जरूरत पड़ेगी तो वो 24 पिक्सल की होगी, और उसके साथ भी जो बॉडी होगी वो 16 ही पिक्सल की। अगर सब हेडिंग डालने की जरूरत पड़ी उसके अंदर तो वो 18 पिक्सल की होगी। इस चीज को अब इमेजिन कर पा रहे हो? क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, साइज कह रहा है बढ़ा सकते हो आप, लेकिन आपको अपनी मर्जी चलाने की जरूरत नहीं है। अब वो ऑब्वियसली वही लगाएगा नहीं लगाएगा, ये तो अभी हम प्रूफ करके देख लेंगे कि वो एग्जैक्टली वही कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं तो टाइगर तो पिक्चर में दिखा रहे हो ना तुम, हेडिंग में दिखा रहे हो। नहीं तो वो यही वाली चीज़ है असल में जो ये यहाँ पे समझाना चाह रहा है, क्योंकि देखो हम डिज़ाइनर नहीं है ना, हम टाइपोग्राफर नहीं है, हमें ये सेंस देना चाह रहा है कि भाईजान जब भी कोई डॉक्यूमेंट आप लिखोगे तो उसका जो हेडिंग का जो साइज, अब हेडिंग का साइज कितना बड़ा रखोगे? अच्छा आमतौर पर हम क्या करते हैं वो भी, मैं क्या करता था पहले वो भी बता देता हूँ, सही है? यहाँ से एक पैराग्राफ उठा लेते हैं, इसी में से ही उठा लेते हैं। मैंने कहा भाई यूनिट ऑफ टाइप्स, ये मैं कि इमेजिन कर लो वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, राइट? अबे क्या लिख दिया इसने ये, ठीक है। अब ये इमेजिन कर लो कि मैं एक डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ रैंडम, यूनिट ऑफ टाइप्स लिख दिया मैंने, और मैंने लिखा भाई दिस इज अ एग्जाम्पल पैराग्राफ, दिस इज जस्ट सम डमी टेक्स्ट। अब ये हेडिंग है और ये है नीचे उसके पैराग्राफ, अभी HTML कुछ नहीं है,
इसको कितने कितना बड़ा कर दूँ, इसको कितना छोटा कर दूँ, चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ भाई, इसका प्रोपोर्शन सही है? मैं अपनी स्क्रीन को ही जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है? जस्ट प्रोपोर्शन की बात हो रही है अभी, क्योंकि जाहिर है मुझे जो स्क्रीन पे दिख रहा है एक्चुअल साइज वो तो आपको प्रोजेक्टर पे दिख ही नहीं रहा ना आपको, लेकिन प्रोपोर्शन फील हो रहा है क्या? हेडिंग का और इसका प्रोपोर्शन सही है? कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम स्केल के ऊपर लेकर आते हैं। मैंने कहा कि भाई 32 पिक्सल, अच्छा ये 12 पिक्सल वाला स्केल है ना, तो इसमें 32 इन्होंने दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है? तो मैं कहता हूँ यार पैराग्राफ जो है वो 12 पिक्सल और फिर हेडिंग कितनी होगी, फिर 24 पिक्सल, जो उन्होंने 12 पिक्सल का स्केल यही बताया हुआ है ना, तो ये होगा 24 पिक्सल। अरे सेलेक्ट करना पड़ता है 24 पिक्सल और ये होगा 12 पिक्सल। प्रोपोर्शन सेट हो गया इसका, ठीक है, कि हेडिंग कितना बड़ा होना चाहिए और टेक्स्ट कितना छोटा होना चाहिए उससे। तो बेस जो है मेरा वो ये है, आया या तो ये 12 पिक्सल के स्केल पे होगा या तो ये 16 पिक्सल के स्केल पे होगा, ठीक है? और हेडिंग जो है उसके अकॉर्डिंग डलेगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको 12 की जगह 16 पिक्सल कर दूँ, अभी प्रोपोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, तो मुझे फिर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 32 पिक्सल करना पड़ेगा। तो ये इवनली ग्रो हुआ है, ये इवनली ग्रो हुआ है, जितना बॉडी का टेक्स्ट ग्रो हुआ है उतना ही हेडिंग का भी टेक्स्ट ग्रो हुआ है, ठीक है? अब इमेजिन करेंगे किसी पैराग्राफ को मैंने 16 रखा हुआ है, किसी पैराग्राफ को मैंने 15 रखा हुआ है, किसी को कुछ और 17 कर दिया मैंने, किसी को दोबारा 16 कर दिया, तो ये चीज़ पूरे डॉक्यूमेंट को मेरे सत्यानाश कर देगी ये वाली चीज़ जो। तो आपको इन्होंने सबसे पहला तो क्या करके दिया, एक स्केल बना के दिया, सही है? अभी एलिमेंट्स वेलिमेंट्स कुछ भी नहीं है, अभी आपके पास HTML की बॉडी है, उसमें बाय डिफॉल्ट कोई भी टेक्स्ट लिखते हो आप क्या होता है 16 पिक्सल का बनता है, वो इन्होंने बता दिया कि 16 पिक्सल का स्केल है ये। अब उस टेक्स्ट में अभी वापस आ जाते हैं हम, यहाँ पे ना इमेजिन कर लो कि कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैंने कहा दिस इज सम टेक्स्ट, ठीक है? और बल्कि मैं यही वाला यहाँ पे चीज़ उठा के ले आता हूँ जो मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है? अब ये वाला पार्ट मैंने क्या करना है, हेडिंग बनाना है, और ये वाला पार्ट मैंने क्या करना है, पैराग्राफ बनाना है। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये कैसा दिखता है? फ़िलहाल तो ये दिख रहा है ऐसा, पूरा का पूरा 16 पिक्सल में दिख रहा है, ठीक है? अच्छा, तो मुझे 16 पिक्सल तो पैराग्राफ सही है, मुझे इस वाले को चेंज करना है हेडिंग वाले को, तो हेडिंग पे कोई ना कोई स्टाइलिंग लगानी पड़ेगी मुझे, तो उसके लिए स्पैन में इसको मैं बना देता हूँ, ये एक डिव में बना देता हूँ, सही है? एक डिव बना दिया, उसमें जाहिर है रैप करूँगा मैं जब ही इस पर स्टाइलिंग कर सकता हूँ, प्लेन टेक्स्ट पे कोई स्टाइलिंग नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, और अभी इस डिव पे मैं कोई ना कोई क्लास दे देता हूँ, मैं क्लास दे देता हूँ H1, सही है? अभी भी ये अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसके साथ, क्योंकि जाहिर है अभी तक कोई स्टाइलिंग मैंने अप्लाई नहीं की है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाके मैं क्या बोलूँगा कि भाई H1 नाम की एक क्लास होगी मेरे पास, और उसका फॉन्ट साइज क्या कर दो, 32 पिक्सल कर दो, करेक्ट, सही है? अब देखो इसका जो साइज है और इसका जो साइज है क्या वो एक है? अभी फॉन्ट डिफरेंट है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। वेल, ये अभी H1 बन चुका है, सही है? अच्छा, फिर लेटर ऑन, अच्छा देखो अभी तो ये पिक्सल में साइज मैंने बता दिया इसका, अब वापस बुक के हम स्केल पर आते हैं, कहाँ गया बुक का स्केल? देखो कह रहे हैं कि H1 जो है ना, अगर आप या तो उसको 32 पिक्सल बोल दो डायरेक्टली, या उसको ना बजाय 32 पिक्सल बोलने के आप 200 बोलो, उसको बोलो 200 या 2EM, कहाँ गया मेरा कोड? अब मैं इसको 32 पिक्सल बोलूँ या मैं इसको बोलूँ कि भाई 200%, और या मैं उसको बोलूँ 2EM, ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पे रिजल्ट सेम ही आएगा। अब समझ आया स्केल का क्या मतलब था?
एग्जैक्टली बहुत अच्छा है इन्होंने सवाल पूछा. ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी ओल्ड एज के लिए, मेरे जो टारगेटेड ऑडियंस है अगर वो कोई ओल्ड एज है और 16 पिक्सल की बॉडी भी उनके लिए छोटी है और मैं उससे भी बड़ी बॉडी करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या हेडिंग भी इक्वली प्रोपोर्शनल में बड़ी करूँगा? इसका जवाब है हाँ. ठीक है, हेडिंग को भी मैं इक्वल प्रोपोर्शन में उसको हेडिंग को भी बड़ा करूँगा. ठीक है, नहीं अभी तो 16 पिक्सल को तो समझो ना, अभी 12 को छोड़ दो. अभी ये 16 पिक्सल समझ आ रहा है ना कि क्या सीन है 16 पिक्सल का? तो हमने क्या समझा कि 200% या 2EM, 2EM का मतलब है कि जितना बड़ा M होता था ना उसका, अब उससे डबल होगा M उसका, उसका जो M होगा वो उससे डबल होगा. तो मतलब वो डबल का मतलब है 200%. ठीक है, या अगर मैं लिखता हूँ कि 150% या 1.5 EM, तो इसका मतलब एक ही है एक्चुअली, लेकिन स्टिल परसेंट में और EM में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है अभी हम थोड़ी देर में समझते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए ना पहले आपको ये समझना होगा कि फॉन्ट का जो साइज होता है, कि भाई 16 पिक्सल का फॉन्ट है भाई, वैसे तो मुझे दिख रहा है कि यार मतलब ये 16 पिक्सल है और ये 32 पिक्सल है, बट व्हाट डज इट मीन भाई 32 पिक्सल? इसकी क्या लंबाई 32 है या चौड़ाई 32 है, क्या चक्कर है ये? वेट तो बोल्डनेस को कहते हैं, बोल्ड तो मैंने किया नहीं है ना अभी इसको, बोल्ड तो अलग चीज़ है. फॉन्ट का साइज 32 करने से ये इतना बड़ा हो गया, बट हाउ इज दिस 32 पिक्सल? बहुत अच्छा है इन्होंने ज़बरदस्त बात की कि जो हमने चार लाइन वाली कॉपी एक डिस्कस की थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो जो चार लाइन है वो उसकी ऊंचाई जो है वो शायद 32 पिक्सल है. अभी अच्छा देखो, हम इसको ना एक्सपेरिमेंट के जरिए हम इसको, अरे यार ये अभी हमारे पास ना ब्राउज़र के अंदर एक जगह होती है जहाँ पे रूलर होता है, हमारे पास ब्राउज़र में एक जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, रूलर होता है. हाँ अबे क्या हो रहा है ये, तो बटन दबा दो ऑन हो जाएगा. अरे भाई क्या हो गया भाई, द कन्वर्सेशन इज हीटेड यार, ये तो रूलर चल ही नहीं रहा, उस तरह से नहीं चल रहा ये. चलो गूगल पे चलते हैं और जो है ना हम कोई ऐसी इमेज ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें ये एग्जैक्टली हमें पता चल जाए कि व्हाट डज इट मीन बाय अ फॉन्ट साइज. अच्छा ये हमें कुछ जो है ना एक फोटो मिल गई है जो हमें ये बता रही है कि यार साइज का चक्कर होता क्या है असल में. ये ना 12 पिक्सल के ना तीन फॉन्ट लिखे हुए हैं 12 पिक्सल के साइज में, सही है. अच्छा ये पिक्सल का स्केल है, 0 पिक्सल यहाँ से शुरू है और 12 पिक्सल यहाँ ख़त्म है.
अच्छा ई जो है ना, सबसे कैपिटल वर्ड जो है ई, इसकी जो लंबाई है ये 12 पिक्सल नहीं है, सही है। अच्छा फिर जो हमारा क्यू है ये भी नीचे 12 तक नहीं आ रहा है, सही है, ये कहीं ना कहीं ऊपर ही घूम रहा है। अच्छा हमारा जो ये जे और ये पी और ये वाई है ये नीचे जो है वो 12 तक आ रहे हैं पूरे, तो ये जो हमने 11 तक आ रहे हैं वो भी, हाँ 11 तक ही आ रहा है, ठीक है। तो 12 पिक्सल का जो फॉन्ट होगा वो इस तरह से मेजर हुआ हुआ होता है, ठीक है। अभी इसी के साथ एक दूसरा फॉन्ट भी इन्होंने दिखाया हुआ है, उसमें भी हम यही वाली चीज़ सेम चीज़ देखना चाहेंगे। देखो कैपिटल जो है वो नीचे तक पूरा नहीं आया हुआ, सेम चीज़ है। तो ये टाइपोग्राफर्स का एक स्टैंडर्ड है, ये हर फॉन्ट में सेम मिलेगा। हाँ सॉरी नहीं, वो तो ड्रॉ कैसे होगा, वो तो हार्डवेयर पे, वो तो लाइट्स के जरिए ही होगा ऑब्वियसली, लेकिन टाइपोग्राफर जब बना रहा है तो वो इस तरह बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये इमेजेस वेक्टर इमेजेस होती है ना। देखो ये भी 11 तक ही आ रहा है, अच्छा नहीं इसका जो वाई है ये 12 तक जा रहा है, इसका जो वाई है ना ये 12 वाले पे टच हो रहा है ज़रा सा, हाँ जी भी थोड़ा सा जा रहा है, सही है। अच्छा 12 को भी क्रॉस किया हुआ है इसने, 12 तो ये 14 वाली है नीचे वाली लाइन, हाँ ये कर्सिव है, कर्सिव फॉन्ट है ये, सही है। तो ये होता है फॉन्ट का चक्कर। अच्छा